लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी क्लास का टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन। यह क्लास यूजीसी के लिए यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट और जेआरएफ के लिए तथा पीजीटी के लिए और प्रवक्ता के लिए तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन से संबंधित सवाल सारे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। हम लोग आज उसी की चर्चा करने चल रहे हैं कि आखिर लोक प्रशासन है क्या। लोक प्रशासन को अंग्रेज़ी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानने से पूर्व आपको कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। लोक प्रशासन मूलतः यह राजनीति विज्ञान का भाग था, परंतु 19वीं शताब्दी में इसे पृथक एवं स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि यह कहना तार्किक नहीं होगा कि लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं होता था। लोक प्रशासन का अध्ययन इसके पूर्व भी होता था, परंतु वह अध्ययन राजनीति विज्ञान के साथ ही किया जाता था। उदाहरण के रूप में अगर आप प्लेटो का राजनीतिक दर्शन पढ़ते हैं और दार्शनिक राजा की बात की जाती है, तो वह दार्शनिक राजा के साथ साथ शासक और प्रशासक दोनों ही बातें करता है। अगर आप याद करें तो 30 वर्ष की आयु में जिस क्रियात्मक परीक्षा के आयोजन की उसने बात किया है, उस 30 वर्षीय क्रियात्मक परीक्षा में असफल होने वाले लोगों को साधारण नागरिक के रूप में नियुक्त किया जाए, इसका समर्थन करता है। इसके साथ साथ मैकियावेली के द्वारा, हॉब्स लॉक, रूसो के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा या भारतीय चिंतक आचार्य कौटिल्य के द्वारा राजनीति के साथ साथ प्रशासक की भी बात की गई। जब तीर्थ का उल्लेख मौर्य प्रशासन में होता है तो उसमें न केवल राजा आता है, न केवल राजा की मंत्रिपरिषद आती है, बल्कि उसमें राज्य के अधिकारी भी आते हैं। इसलिए एक बात तय है कि राजनीति विज्ञान के साथ इसका अध्ययन किया जा रहा था, परंतु 19वीं शताब्दी में अमेरिका में इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान से अलग करके लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान करना अब आवश्यक है। इसी क्रम में हम लोग एक बात देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि राजनीति विज्ञान में आप अध्ययन करते हैं राज्य का, लेकिन राज्य अमूर्त अवधारणा है, उसका मूर्त स्वरूप कौन है? सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका विधिक संरक्षण प्रदान करती है। संविधान के संरक्षक के रूप में इनके द्वारा काम किया जाता है। अब कार्यपालिका में भी 2 कार्यपालिका है, एक को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, एक को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा गया।
राजनीतिक कार्यपालिका कहा गया, जबकि स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही कार्यपालिका कहते हैं। यह नौकरशाही कार्यपालिका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध मूलतः इसी बात से है जिसका अध्ययन हम लोग अपने लोक प्रशासन टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इस टॉपिक पर आधारित सवाल आपके इन सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इन सारे एग्ज़ाम में पूछने के साथ साथ आपकी मेरिट को भी डिसाइड करता है। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों के माध्यम से इस पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके सवाल गलत किसी भी हालत में ना होने पाए। जो लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस को किए हैं उनको मालूम है कि क्लास से ही समस्त सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ऑनलाइन के क्लास में भी ऑफलाइन की ही तरह हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे, इसलिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग इस बात पर विशेष बल देंगे कि किसी भी बात को छोड़ा ना जाए बल्कि संपूर्ण इसका अध्ययन किया जाए। तो एक बात तय हो गया कि मूलतः यह राजनीति विज्ञान का ही विषय था और यह 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। बट अब चूंकि लोक प्रशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि आखिर इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसका सामान्य अर्थ क्या है। लोक को समझने से पहले या पब्लिक को भी समझने से पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में यह बना है लैटिन भाषा के एड और मिनिस्टेयर से, जिसमें इसका अर्थ होता है, एड का अर्थ है उत्कृष्ट प्रकार से और मिनिस्टेयर का अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना, सेवा करना और प्रबंधन करना। लोगों की देखभाल करना, सेवा करना और प्रबंधन करना। ऐसे ही अगर बात करें प्रशासन का, तो प्रशासन में भी दो शब्दावली का प्रयोग है, प्र एवं साश धातु। वास्तव में यह बना है संस्कृत के प्रशस्ता शब्द से। प्रशस्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक यज्ञ के दौरान, वैदिक यज्ञ के दौरान प्रधान पुजारी के लिए इसका प्रयोग करते थे। प्रधान पुजारी के लिए तब जबकि वह अन्य पुजारी को निर्देश देता था। तो यहाँ पर एक बात तय हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सार्वजनिक सार्वजनिक हित की भावना, या ऐसा कोई भी विषय जो सार्वजनिक हित पर आधारित विषयों का विश्लेषण और अध्ययन करता है, उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि इसको हम सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन भी कहते हैं। इसको हम सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन भी कहते हैं। अब देखिए
ये तो बात एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की थी। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम लोग आगे के क्लास में इसका विस्तृत अध्ययन करते हुए आपको इसका नोट्स भी बनवाएंगे। परंतु फिर भी आप अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप ऐसा ले सकते हैं। आप दूसरा शब्द है देखिए यहाँ पर, और वह दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है लोक। लोक का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक का सामान्य अर्थ होता है, लोक का सामान्य अर्थ है जनता। और इसी के आधार पर लोकतंत्र को परिभाषित करने का कार्य किया था अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। परंतु लोक प्रशासन के अर्थ में लोक का सामान्य अर्थ भले ही जनता है, परंतु इसका विशिष्ट अर्थ परंतु इसका विशिष्ट अर्थ सरकार होता है। इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? सरकार, क्योंकि लोक नीति को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया गया उसको क्रियान्वित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? क्रियान्वित करने का काम किया जाता है प्रशासन के द्वारा। इसलिए इसको विशिष्ट अर्थ में हम सरकार के रूप में समझते हैं। तो ये तो सामान्य बात थी प्रशासन की। अब हम लोगों को यह समझना है, और हमारे एग्ज़ाम में इस पर आधारित बहुत सारे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं कि आखिर लोक प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इसकी परिभाषा किस रूप में आप देते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा को देने का कार्य लोक प्रशासन के पिता प्रोफेसर वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया। हाँ, विल्सन के द्वारा कहा गया कि कानून को व्यवस्थित रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषा देने का कार्य किया है एल.डी. व्हाइट ने, और एल.डी. व्हाइट ने कहा कि लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने का नाम है, यह लागू करने का नाम है। अर्थात लोक प्रशासन वह समस्त कार्य करता है जिसका सरोकार लोक नीति से होता है। इसके साथ साथ आप परिभाषा दिया नेग्रो ने, और नेग्रो के द्वारा कहा गया कि लोक प्रशासन एक प्रकार से सहकारी प्रयत्न है। लोक प्रशासन क्या है? सहकारी प्रयत्न है। सहकारी प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? लोक प्रशासन का संबंध सहकारी प्रयत्न है। इसका अर्थ है कि लोक प्रशासन उन समस्त कार्य को करता है जो राजनीतिक होते हैं, गैर राजनीतिक होते हैं, जिनका कार्य जनता के हित से होता है। लूथर गुलिक के द्वारा कहा गया है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यपालिकी शाखा से संबंधित होता है। इनके द्वारा कहा गया कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यपालिकी शाखा से होता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा यह कहना कि विधायी और न्यायिक कार्य नहीं किया जाता तर्कसंगत नहीं है। न्यायिक कार्य नहीं किया जाता है यह
तार्किक नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट बात है, गुलिक की परिभाषा संकीर्णता पर आधारित है, एलडी व्हाइट की परिभाषा व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है, विल्सन की परिभाषा कानून पर आधारित है और निग्रो की परिभाषा सहकारी प्रयत्न के ऊपर आधारित है। लोग प्रशासन को अलग अलग ढंग से देख करके उसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग चिंतकों के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया। इसी संदर्भ में हर्बर्ट साइमन के द्वारा भी लोक प्रशासन को परिभाषित किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि चाहे राष्ट्रीय हो या प्रांतीय हो या स्थानीय हो, सरकार चाहे राष्ट्रीय हो, प्रांतीय हो या स्थानीय हो, उसके कार्यपालकीय शाखा का इसमें अध्ययन किया जाता है। कार्यपालकीय शाखा का अर्थ है नौकरशाही का इसमें अध्ययन करना आवश्यक होता है। नौकरशाही का मूलतः इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह मूलतः कार्यकारी शाखा से संबंधित होता है। आज जबकि फिफनर के द्वारा कहा गया, कि लोक प्रशासन का कार्य क्या होता है, लोक प्रशासन के द्वारा वैसे समस्त कार्य किए जाते हैं जो सरकार का काम है, चाहे वह प्रयोगशाला हो या एक्सरे मशीन हो, चाहे वह प्रयोगशाला हो एक्सरे मशीन हो या स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो, ऐसे समस्त विषयों का अध्ययन ही लोक प्रशासन की विषय वस्तु बन जाता है। इसमें एक परिभाषा आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है और वह परिभाषा है मार्शल डीमार्क का। मार्शल डीमार्क के द्वारा कहा गया, मार्शल ई डीमार्क के द्वारा कहा गया है कि लोक प्रशासन क्या है और कैसे का अध्ययन है। यहाँ पर क्या का अर्थ होता है विषय वस्तु और कैसे का अर्थ होता है, कैसे का अर्थ है तकनीक। तकनीक और विषय वस्तु को हम भले ही अलग अलग रूप में देखते हैं, परंतु मार्शल ई डीमार्क का मानना है कि विषय वस्तु का अर्थ है कि सार्वजनिक हित के लिए, जनता के हित के लिए नौकरशाही के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका भी अध्ययन लोक प्रशासन करता है, और सार्वजनिक हित और जनता के हित के लिए किस प्रकार से काम किया जाना है, ऐसी तकनीक और सांगठनिक संरचना का, नौकरशाही की संरचना का भी अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए यह कहना तार्किक है कि लोक प्रशासन क्या है और कैसे का अध्ययन है। देखिए बच्चों, ये तो हमारे लोक प्रशासन की सामान्य समझ पर आधारित ये क्लास था, जिसमें हमने आपसे जिक्र किया कि लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। अब इसके बाद आपको यहाँ समझना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। यह बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक है। आप लगातार बने रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद।